टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है, मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु के वजीर आला एम के स्टालिन के बेटे का मुतनाजा बयान, सनातन धर्म का मुवाजना डेंगू और मलेरिया से किया, बोले सनातन डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में दाखिल, हल्के बुखार की वजह से सोनिया को अस्पताल में दाखिल करके डॉक्टरों की जेरे निगरानी रखा गया। पलवाल से दिल्ली आने वाली ट्रेन प्रगति मैदान के करीब पटरी से उतर गई, ज़राए के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम ट्रेन को नुकसान पहुंच गया। जमियत मैवात फसाद में बेकसूर गिरफ्तार शुदगान का मुकदमा पूरी कुव्वत से लड़ेगी, वाजह रहे नू और दीगर इलाकों में फसादात के दौरान बेशुमार मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुसलमानों के घरों और दुकानों को बुलडोज भी किया गया। कौमी योम असातजा दिन 2023 सदर जमहूरिया 5 सितंबर को असातजा को अवार्ड से नवाजेंगी, 75 असातजा के नाम जेर फहरिस्त। रियासत उड़ीसा में भारी बारिश के बाद जानी व माली नुकसान, आसमानी बिजली गिरने से 10 अफराद की हुई मौत, अगले 4 दिनों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 6 से 7 सितंबर तक इंडोनेशिया का दौरा, दौरे के दौरान वजीर आजम हिंदुस्तान चोटी कॉन्फ्रेंस और 18वीं मशरकी एशियाई चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भोपाल में आइमा और मुअज्जिनीन की रिहाइश के लिए मुफ्त घर देने की तहरीक का आगाज, मसाजिद कमेटी की जानिब से 20% इमदाद करने का ऐलान। 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का इजलास, वक्फा सवालात न प्राइवेट मेंबर बिल, सेक्रेटरीट ने कहा सेशन की 5 नशस्तें होंगी और अराकीन को आरजी कैलेंडर के बारे में अलग से आगाह किया जाएगा। एक मुल्क एक इलेक्शन मामले में 8 रुकनी आला सतही पैनल तश्कील, साबिक सदर की सरबराही वाले पैनल में गुलाम नबी आजाद भी शामिल, कांग्रेस का हुकूमती पैनल में शामिल होने से इनकार। दफा 370 मामले की वकालत करने वाला मुअत्तल लेक्चरर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश, कमेटी के सामने अपनी सफाई देते हुए 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त, स्टेशन छोड़ने की इजाजत और दीगर मालूमात पेश की। माजी में दफा 370 को कमजोर और खोखला करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ही जिम्मेदार, अल्ताफ बुखारी बोले इन्हीं जमातों ने इसे हटाने के लिए मरकजी सरकार का साथ दिया। इस वक्त हमारे बच्चे कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जिसमें मंशियात की बढ़ती लत और जंक फूड का बढ़ता रुझान है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर बोले वक्त का तकाजा है कि कौम के मुस्तकबिल बच्चों को इन बिदात से दूर रखा जाए। हिंदुस्तान सफ़े अव्वल की ताकत, कसीर जहती वतन से बहुत फायदा हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने कहा पंडित मालविया ने नॉलेज सोसाइटी की बुनियाद रखी और साइंस टेक्नोलॉजी और तालीम के फायदे को सन्नतों तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। स्वीडन के रहनुमाओं के एहतजाज के बाद नोबल फाउंडेशन ने नोबल इनाम की तकरी में शिरकत के लिए रूस, बेलारूस और ईरान का दावतनामा वापस ले लिया। सांबा में फौजी एहलकार करंट लगने से हुआ अजा, फौज की इंजीनियरिंग विंग में तैनात जवान की शिनाख्त 25 साल दीपक पांडे के बतौर की गई। उधमपुर में तेंदुए ने 4 साल कमसिन बच्ची को बनाया निवाला, मुतवफी 4 साल बच्ची का नाम तानू बताया गया, हादसे के बाद वाइल्ड लाइफ महकमा ने आदमखोर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। राजौरी में शाहरा पर धमाका खेज मवाद बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर इसे तबाह कर दिया गया, इस दौरान जम्मू राजौरी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल भी मुतासर हुई। बनिहाल में सीआरपीएफ एहलकार की मुबैना खुदकुशी, रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाले सीआरपीएफ एहलकार ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार दी। एशिया कप में पाक भारत का सनसनीखेज मुकाबले की दूसरे इनिंग्स बारिश की नजर, ताहम पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारत के टॉप ऑर्डर को बेनकाब कर दिया। टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।